परमात्मा भगवद्गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा, सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या सुन सकते हो, सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनके सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बाई के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और कई योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और अश्व इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी, इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद्गीता बताती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्मकाल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद्गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती,
तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा, जिंदगी के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें चार धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। मित्रों, एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, यानी कि वृद्धावस्था में दोनों माता पिता अंधे हो गए, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही अपना दिन खपा देता और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करता था। कभी भी उन दोनों को अकेला नहीं रहने देता था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। लेकिन अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है, क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। अब बेटा माता पिता को कैसे लेकर जाएगा, यह सोचने लगा। पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर यानी कि कावड़ तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। अब वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई, तो श्रवण ने उन्हें एक वट वृक्ष की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा होगा, इसलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। श्रवण को चीख सुनते ही जैसे ही दशरथ उसके पास पहुंचे तो वो ग्लानी से भरे थे। उन्होंने ग्लानी के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने सोचा कि हिरण होगा। और राजा दशरथ रोने लग गए, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लगी हुई है, कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा। राजन, हमारा बेटा कहां है? पानी लेने तो वो गया था, कहां चला गया हमारा बेटा? जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। यह कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनके शाप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है,
क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता, वह व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा है तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, ईश्वरीय विधान से मिलेगा, जिसे हम तो क्या आज तक कोई महान महापुरुष भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वह भी कर्म के फेर में फंसकर रह जाते हैं। मित्रों, सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही है, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है, और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है, वह किसी की सिफारिश नहीं मानता, वह रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर या अवतार नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग अलग भोगना होता है, वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल ना मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना होता है। अच्छे और बुरे कामों के फल स्वरूप सुख और दुख साथ साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाय अच्छे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हो तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु पक्षी आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही है कि 84 लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे। अब उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते। भाग्य या प्रारब्ध क्या है, मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं बना सकता है और ही तबाह भी कर सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली वह उसका भाग्य है। उसकी अपनी मेहनत का फल किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन प्रशासन ना दे तो ईश्वर तो देता ही है, क्योंकि सारी दुनिया चलाने वाले तो भगवान ही है ना। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता, जैसे माता पिता अपनी संतानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे अंदर से भय शंका लज्जा महसूस होती है, और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है उसे आनंद उत्साह अभय खुशी महसूस होती है। यह दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती हैं। मनुष्य कुकर्म क्यों करता है? मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है। अथर्ववेद में कहा है कि कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है, इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, ना मित्रों का साथ मिलता है और ना ही घर वालों का। कर्म फल प्राप्ति में कमी या अधिकता नहीं होती, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है। महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर गंधारी श्री कृष्ण से कहती है कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं जो मैं अपने पुत्रों पोत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूं। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने ही गांधारी के परिवार को मरवाया था, लेकिन क्यों मिला था, उन्हें अंधे होने का श्राप और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को? दोस्तों, भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बहुत ही निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले से ही समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं, क्योंकि भीम ने ही उनके पुत्र दुर्योधन को मारा था, इसलिए वह दुर्योधन का बदला भीम से लेना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्रीकृष्ण तो भगवान थे, वो पूरी बात पहले ही समझ गए थे। तब श्रीकृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे कर दी।
धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को ध्वस्त कर डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया है, तो वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वह तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। मित्रों, हमें पुराणों से यह बात पता चलती है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कराया था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वे मौन रहे। दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ किया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ एक ही महल रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो कि उन्हें पसंद नहीं थीं। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वे गांधारी के साथ वन में चले गए। महाभारत में ही शांति पर्व में कहा गया है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गाय के बीच में अपनी माँ के पास ही जाता है, ऐसे ही कर्म फल कर्म करने वाले के पास ही जाता है। मनुस्मृति में कहा है कि जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता है। अकेला ही अच्छे कर्मों का फल, सुख और बुरे कामों का फल दुख के रूप में भोगता है। एक पुराण में भी बताया गया है कि अरबों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। चाणक्य भी कहते हैं कि किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्य के लिए जिम्मेदार है। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले ज्ञान की बातें जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। मित्रों, वाल्मीकि ने रामायण के युद्ध कांड में कहा है कि रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए तब सीता ने हनुमान से कहा, मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है।
वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में कहा है कि सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूं इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परपरा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक बहुत से पाप किए हैं, उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिताजी परलोक सिद्धार गए, माताजी से अलग हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, यह सारे दुख इस रमणी वन में आने पर शांत हो गए थे, परंतु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे लाठी डालने से आग जल उठती है। पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। मित्रों, यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि रामायण की सबसे मोटी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरित मानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिया सोई आजू, रामू जाही बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव ज्यादा जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और वानर की सहायता से ही आपका वापस मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवां और सबसे मोटा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, होइ ही सोई जो राम रची राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी उन्हें भी भोगना पड़ा था। मित्रों, अपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, यह सोचकर मनुष्य को कर्म करने से नहीं बचना चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने के उपाय क्या है। अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है। यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में मैं कहा है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो, दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है, अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है।
यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते, कुछ और करते, कुछ और है, वैसे मनुष्य असुर दैत्य राक्षस पिशाच समान है। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा मन वाणी और कर्म से कपट रहित एक आचरण करते हैं वही देवता है। वैसा मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुखरूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है, इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। क्रियाओं के जैसे बीज होंगे वैसे ही फल परिणाम के रूप में सामने आएंगे। गेहूं का बीज गलकर अपने अदृश्य असंख्य बीज पैदा करता है। आम का बीज गलकर आम ही पैदा करता है। नीम का बीज गलता है, वह नीम का वृक्ष ही पैदा करता है। गेहूं के बीज से नीम का वृक्ष आया, ऐसा ना तो देखा गया और न ही सुना गया। प्रकृति के उपवन में कर्मफल व्यवस्था के उदाहरण सर्वत्र देखे जाते हैं। जब माली मन चाहे पुष्पों के लिए उनके पौध लगाता, तत्काल बिना किसी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षा किए उन्हें सींचता रहता है, उनका पालन करता है। किसान भी इसी प्रकार के मनोयोग धैर्य का परिचय देता है। फल पाने में उतावला नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि समय पर फल मिलेगा ही कर्मों का सुनिश्चित फल। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता। भले कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हुए भी तुरंत मिलते ना देखकर कितने ही व्यक्ति उस शाश्वत व्यवस्था पर उंगली उठाते संदेह करते हैं जिसे कर्म फल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कितने व्यक्ति तो धरती तथा उसकी नियम व्यवस्था पर भी आशंका व्यक्त करने लगते हैं। उन्हें यह बात भली भांति जाननी चाहिए कि भगवान किसी को ना तो दंड देता है और ना पुरस्कार। वह केवल विधि व्यवस्था का विधायक और नियंता मात्र है। सृष्टि की क्रमबद्ध और समस्ता को बनाए रखने भर का ध्यान रखता है। व्यक्तिगत जीवन में उसका हस्तक्षेप नहीं के बराबर है। हर किसी को उसने यह पूरी आजादी दी है कि जो चाहे जिस तरह सोचे या करे। साथ ही विवेक का अनुदान देकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चिंतन कर्तव्य का स्तर ही उसके सामने दंड पुरस्कार के रूप में सामने आएगा। स्वतंत्रता दिशा अपनाने भर की है, पर जो गलत मार्ग पर चलेगा वह चुभन से बच न सकेगा। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है उतना ही परावलंबी भी बनाया है। सर्वत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसीलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और उसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहां विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा टूटने ना पाए, उन्हें खराब करने का कोई दुस्साहस ना करे, इसलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। मित्रों, कर्मफल तत्काल मिले ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज बोते ही फल फूलों से लगा वृक्ष सामने प्रस्तुत नहीं होता। गर्भधारण के अगले क्षण ही जन्म नहीं होता, और जन्म के उपरांत तत्काल नवजात शिशु किशोर या प्रौढ़ नहीं बन जाता। अभिभावकों को उसके लिए धैर्य रखना होता है। बीज का फल वृक्ष और गर्भाधान का फल समर्थ संतान होता है। यह सही है, पर यह भी सही है कि आरंभ और परिणाम के बीच कुछ अंतर अवश्य रहता है। हथेली पर सरसों बाजीगर ही जमा सकते हैं। किसान को उसके लिए 6 महीने तक साधना और प्रतीक्षा करनी होती है। गाय के पेट में घास जाकर दूध में बदलती है, इसे कौन नहीं जानता, पर यह लाभ धैर्य पूर्वक ही उठाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अर्थात तुम केवल कर्म करो और फल की चिंता त्याग दो। अब कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि भगवान ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो उससे यह आशय निकाल सकते हैं कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, बस हमें कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इससे हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म निष्काम भाव से करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि निष्काम भाव क्या है। निष्काम भाव का अर्थ है कि अहंकार, मोह, कामनाएं आदि के भावों से रहित होकर हमें कर्म करना है। जब यह दुर्गुण हमारे अंदर होंगे ही नहीं, तो निश्चित सी बात है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कर्म करेंगे ही नहीं। जब हम अपने स्वार्थ के हेतु कर्म करेंगे ही नहीं,
तो पाप और पुण्य उत्पन्न होंगे ही नहीं, जिससे हमें इस लोक में फिर से पाप और पुण्य के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना ही नहीं होगा, जिसके कारण हम मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। फल की कामना हेतु कर्म ना करने का आशय केवल यही है कि तुम फल की इच्छा से कर्म ना करके केवल अपने कर्तव्यों, अपने धर्म के पालन हेतु कर्म करो। अर्थात तुम जो भी कर्म कर रहे हो वह तुम केवल अपने धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। भगवद गीता में कई बातों को समझना आसान नहीं, क्योंकि जीवन दर्शन से संबंधित हर कथन में बहुत गहराई है। इसको समझने के लिए बहुत मंथन करना होता है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, एक ऐसा कथन है जो कि 2-3 वर्ष तक मुझे भी विरोध भांसी लगता था, यानी कि जिंदगी देखने के बाद भी इस कथन को, इसके गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाया था। गीता में दिए गए ज्ञान को समझने के लिए आत्मचिंतन और मनन की आवश्यकता है, और आत्मचिंतन, आत्ममंथन का विचार आने के लिए बुद्धि का परिपक्व होना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातें अकल आने के बाद ही संभव होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यहां कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि कर्म का क्या परिणाम होगा इसे कोई नहीं जानता किसी आदमी को। जब कर्म का परिणाम यानी फल वही मिलता है जिसकी उसे अपेक्षा थी, तो उसे प्रसन्नता होती है और संतोष का एहसास होता है कि चलो, मेरा कर्म की मेहनत बेकार नहीं गई। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म या अपनी मेहनत से अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम या फल नहीं मिलता, तो उसे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और उसकी अशांति का कारण भी बनता है। वास्तविकता में देखा जाए तो आदमी को इसी कर्म के फल की अपेक्षा से मिले दुख अशांति से बचाने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने और फल की चिंता न करने की सलाह दी थी। सीधी भाषा में कहे तो श्री कृष्ण का जोर मंजिल की चिंता किए बिना यात्रा को पूरे दिल से करने पे है। यात्रा अगर पूरे दिल से की जाए तो मंजिल से कहीं भी कहीं गुना आनंदित कर सकती है। किसी भी कर्म का परिणाम या फल भविष्य में ही हो सकता है, वृक्षों पर या इंसान के जीवन में भी फल तुरंत नहीं लगते। अब अगर कोई माली पौधों या वृक्षों में पानी खाद देते हुए भविष्य में होने वाली फसल से संबंधित सोच विचार करेगा, तो उसे उस भविष्य की फसल से संबंधित विचार तनाव ही देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश मनुष्य को भविष्य के तनाव से बचाने का अचूक उपाय है। इसी विचार को और फैलाए तो हम पाएंगे कि कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, यह गीता के उपदेश के जरिए श्री कृष्ण व्यक्ति को वर्तमान में भी जीने की सलाह दे रहे हैं। विश्व की लगभग सारी जनसंख्या उतना अपने वर्तमान के बारे में चिंतित नहीं जितना कि भविष्य को लेकर चिंतित है। हम लोग वर्तमान में कम ही रहते हैं। अगर कोई हमें मिलने हमारे वर्तमान में आए तो वर्तमान के पते पर हम कम ही मिलते हैं। हम अक्सर या तो अपने भूतकाल में विश्लेषण करते पाए जाते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते मिलेंगे। कर्म करने पर ध्यान देने वाला व्यक्ति वर्तमान में ही रहेगा, वह भविष्य में जा ही नहीं सकता। और इसी बात के निष्कर्ष का दूसरा सिरा यह भी है कि फल की चिंता करने वाला शख्स ज्यादातर भविष्य में ही रहता है। फल के बारे में सोच विचार करने वाले लोग वर्तमान में नहीं रह सकते। मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। इसका नाम कालनेमी था। असुर कालनेमी के 6 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जालंधर राक्षस से हुआ था, जिसका बाद में भगवान विष्णु ने वरण किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। कालनेमी बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया था ताकि वह अमृत कलश को देवताओं से छीन सकें। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका अंत कर दिया। ऐसे में कालनेमी के 6 बेटों यानी हिरण्याक्ष के पोते ने उसके असुर स्वरूप से परिचित थे और इस कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से मना कर दिया था। इस कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया था कि वे पातालवासी हो जाएं। मगर कालनेमी के पुत्रों ने बहुत पुण्य कर्म किए थे जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का अलग प्रभाव हुआ। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद कालनेमी ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। पद्मा पुराण की एक कथा के अनुसार
द्रामिल नाम के एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया। इस कथा के अनुसार कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था। इस वजह से अपने पुत्र कंस से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। एक कथा में यह भी कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे यह श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही पुत्र मरेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतान हुई उसे एक एक कर मार डाला। ये कालनेमी के ही पुत्र थे। उनके 6 पुत्रों ने ही यहां पर देवकी की कोख से जन्म लिया था। कथा के अनुसार दरअसल कालनेमी के इन पुत्रों के जन्म पर भी यही श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमी के हाथों से होगी और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म ले रहे अपने ही पुराने पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार कंस पर पापों का भार ज्यादा हो गया था। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को आजाद करना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वंद्व युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की इस चुनौती को स्वीकार कर बलराम के साथ मथुरा रवाना हो गए। भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी भेज दिया था, लेकिन कृष्ण ने उस हाथी को हरा दिया और मथुरा पहुंचे। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और छांडूर को हरा कर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने इन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उनका सर कलम कर दिया तथा अपने प्रियजनों को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मरने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के भी सभी पाप धुल गए। तो इस तरह दोस्तों कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे अच्छे हो या बुरे। अगर आप हर काम को एक संपर्ण या भेंट की तरह करते हैं तो फिर आपके कर्म बंधन धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप कुछ भी न करने की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप चाहे जो कुछ भी करें उसे अपने भीतर एक समर्पण या भेंट के तौर पर करें। अर्पण की भीतरी स्थिति में आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छे कर्म से अभिप्राय है, पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म से अभिप्राय है, पाप से दुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सुख नहीं पसंद है? मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसका 3 कारण हो सकता है: सुख प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, या फिर पाप काटने के लिए। वास्तव में पाप काटने के लिए बहुत कम लोग ही अच्छे कर्म करते हैं, पर जो लोग ऐसा करते हैं मेरे समझ से वे अल्पज हैं, क्योंकि पाप को अच्छे कर्मों से काटा नहीं जा सकता है, बल्कि अच्छे कर्म से पाप को करने से बचा जा सकता है। यदि एक बार पाप हो गया तो उसका परिणाम भुगतना ही होगा। कुछ लोग को तो यह पता भी नहीं चल पाता कि वे पाप कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पाप ही कर रहे होते हैं। ऐसे में वे भी पाप के कहर से नहीं बच पाते। और कठिन स्थिति में कुछ लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, पर इसमें ईश्वर का क्या कसूर? हम तो उसके बच्चे हैं। कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा दुखी रहे। इसी तरह ईश्वर भी नहीं चाहते। इस स्थिति में ईश्वर केवल लाचार निगाहों से देखता रहता है, जैसे किसी मृग शावक के शेर के चंगुल में फंस जाने पर उसकी मां देखती रहती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का असर खत्म किया जा सकता है? मित्रों, जब श्रीकृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो गुस्से में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वो कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे और ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, उसे ऐसा करने से मना कर सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठता छोटी रह गई। रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, और कर्ण?
वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया। उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर गिरा हुआ था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास था, पानी मांगा। कर्ण जहां था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ ना करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। किसी स्त्री, बुजुर्ग, निर्दोष, कमजोर या बच्चे पर अत्याचार होते देखना और कुछ ना करना हमें पाप का भागी बनाता है। रास्ते पर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को लोग नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। इससे आपके अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए धर्म को नष्ट कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। गीता विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें संपूर्ण गीता में वर्णित कर्मयोग का सार समाहित है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्तव्य भाव को ही मुख्य रखो एवं कर्म के साथ फल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित यह भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कर्म किस लिए करना। कर्म तो अवश्य करना ही है, अतः कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कर्म एवं योग, अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समतायुक्त एवं अक्षुब्ध रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, न मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व न मिलने की स्थिति में क्रमश हर्ष एवं विषाद से अभिभूत रहता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षुब्ध एवं समतापूर्ण स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माना जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म। इस प्रकार स्वकर्म से संतुष्ट व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न, शांत व समता की स्थिति में रहता है तथा उसके कर्म से परिवार, समाज व राष्ट्र भी लाभान्वित होते हुए सुव्यवस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति इस कर्मनिष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है, तब उपर्युक्त सारी स्थितियां पलट जाती हैं। इस प्रकार सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है तथा समाज का भी भारी अहित करता है। इसलिए कहा गया है कि फल में, अर्थात फल की आसक्ति में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। महाभारत का अर्थ है बृहद भारत का इतिहास, जो दो राज परिवारों, पांडवों, पांडु के पुत्रों और कौरवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के, आधुनिक समय की दिल्ली, कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडव अल्प वयस्क थे, उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य न बन जाएं।
लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिससे कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राजसिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएं। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति सहित दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पितामह भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्र गुरु द्रोण के बुद्धिपूर्ण मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांडु की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और इस हिसाब से वे पांडवों के ममेरे भाई थे। परंतु कृष्ण केवल एक युवराज नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना और प्रतिपादन लिए अवतीर्ण हुए थे। उनकी धर्मनिष्ठा के कारण पांडव सदैव कृष्ण के कृपा पात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे पांसों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं, तब वे उनसे कम से कम 5 गांव का राज्य अधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं, फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता। अत युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था। श्रीमद्भगवद्गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन हुआ था। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने राजदरबार में अपने वफादार सेवक संजय के साथ बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। महामुनि व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त था, जिससे कि वे रणभूमि से दूर हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध को देख सकते थे। संजय फिर वृद्ध राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन वार्तालाप को सुनाते हैं। इस प्रकार भगवद्गीता को संजय ने सुना और मानव जाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे धृतराष्ट्र को दोहराया। श्रीमद् भगवद्गीता का प्रथम शब्द धर्म है। कभी कभी धर्म को गलत रूप से मजहब या मान्यता समझा जाता है, किंतु यह उचित नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाता है, ताकि वह परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। इसे सनातन व शाश्वत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवद्गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होता है, अतः हम शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भगवद्गीता किसी हठ धर्मिता या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में भगवद्गीता परम सत्य की अनुभूति करने लिए एक संपूर्ण विज्ञान है। भगवद्गीता अवश्य एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके सरल व स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनना पड़ी डेढ़ेगा। निश्चित ही अर्जुन, जो भगवद्गीता के पहले छात्र थे, वे कोई विद्वान नहीं बल्कि एक योद्धा थे। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों ने, गुरुओं ने एवं आत्मबोध युक्त ज्ञानियों ने गीता के सहायक के तौर पर ज्ञानवर्धक टिप्पणियां लिखी हैं, जैसे कि उसका यथार्थ तात्पर्य, उसकी काव्यात्मकता, उसका सिद्धांत और उसकी गुप्त निधि, जिससे कि उनके समय के तथा आगामी पीढ़ियों के लोगों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ हो। भगवद्गीता के उपदेश नित्य एवं अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन समय जिससे हम घिरे हुए हैं वह सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती हैं। 17वीं शताब्दी के विख्यात टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गीता के पहले 6 अध्याय कर्म से संबंधित हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति से और अंत के 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित हैं। परंतु जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर गीता के सभी अध्यायों में सर्वत्र पाए जाते हैं। अनादिकाल से भगवद्गीता पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। बीते समय में गीता पर पहला भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे जिन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य,
श्रीधर स्वामी आदि जैसे महान गुरुओं ने श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखे, जिससे आदि शंकराचार्य के निराकार अर्थ प्रकाशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्तिपरक अभिप्राय व्यक्त हुआ। आपको गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि दुनिया के लगभग हर व्यक्ति के मन में जीवन व जगत से जुड़ी भ्रम और संशय हर पल उत्पन्न होते रहते हैं। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, सत्य और असत्य, उचित व अनुचित के साथ प्रकृति, जीव, ईश्वर, जीवन और मृत्यु, पूर्व जन्म तथा पुनर्जन्म आदि के विषय में हमेशा एक उलझन या असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आम लोगों से लेकर विद्वानों तक के मन एवं हृदय में यह ऊहापोह या संशय की स्थिति बार बार जन्म लेती है। इससे जीवन में एक अड़चन, अविश्वास, मानसिक तनाव, निराशा और आत्मग्लानि का भाव व विचार पैदा हो जाता है। व्यक्ति अंत में निराश और हताश होकर बैठ जाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता और परिणाम स्वरूप बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भी निराशा और हताशा के जंगल में फंस जाता है। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण शरण में आए हुए अर्जुन को एक माध्यम बनाकर इस दुनिया के हर व्यक्ति को उसी हताशा, निराशा तथा मानसिक तनाव से बाहर निकलने और जीवन तथा जगत के भ्रम को दूर करने का उपदेश देते हैं। तो मित्रों, आइए श्रीमद्भगवद्गीता को पूरा पेय आज के इस जिंदगी के असली मायने मसझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। अगर आपको यह भगवद्गीता का सार पसंद आया तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सब आत्माएं अपने यहां होने का मूल रूप समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। धन्यवाद।